मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी मामले में नागपुर पुलिस ने गोंदिया में दो जगहों पर छापेमारी की है। अब तक 1,34,00,000 कैश के साथ 3 किलो 200 ग्राम सोना जब्त किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर नागपुर के युवक से 58 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले बुकी अनंत उर्फ सोंटू जैन तबल ने 3 महीने बाद नागपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इस मामले में नया खुलासा हुआ है। इसमें गोंदिया के सोंटू जैन को आर्थिक मामलों में मदद करने वाले डॉक्टर नागपुर आर्थिक अपराध शाखा की एक टीम ने आज गौरव बग्घा और एक्सिस बैंक के मैनेजर अंकेश खंडेलवाल के घर छापा मारा है। इसमें बग्गा के घर 3 किलो 200 ग्राम सोना समेत 1,34,00,000 कैश जब्त किया गया है। एक्सिस बैंक के मैनेजर के घर पर भी छापा मारा गया, लेकिन वहां कोई कैश नहीं मिला है। इससे पहले भी सोंटू जैन के घर पर 22 जुलाई 2023 को नागपुर आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने छापा मारा था और उस समय नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने मीडिया को बताया था कि नागपुर आर्थिक अपराध शाखा सोंटू जैन की मदद करने वाले लोगों की तलाश कर रही है और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी पुलिस ने दी है, आपको सुनाते हैं। या आरोपी को सहकार्य करने में उसके इस जो ये फसनुक की जो एक्ट थी उसमें जिन्होंने भी उसको मदद की है, या उसके फरार होने के समय जिन्होंने भी उसको मदद की है, और इस प्रकार की जो ये कॉन्स्पिरेसी जो बीच बीच में चल रहा है, पूरी तरीके से इसको अनर्थ किया जाएगा। आरोपी को मदद करने का जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी अगर प्रयत्न करेगा और उसमें क्रिमिनल कल्पेबिलिटी अगर नजर आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन डायमंड एक्सचेंज के जो ओरिजिनेटर्स हैं और जो उसके डेवलपर्स हैं वो सभी हमारे रडार पे हैं।